विधानसभा में टीडी मंत्री नंदलाल मीणा ने आज सदन के अंदर ही विवादित बयान दे दिया। कांग्रेस विधायक घनश्याम मेहर ने जब जनजाति हॉस्टल्स की बदहाली पर सवाल किया तो मंत्री नंदलाल मीणा ने कहा, करौली माडा क्षेत्र में लड़कियों को नहीं पढ़ाने से वहां पुरुषों में दो शादियों की प्रथा शुरू हो गई है। वहीं सदन में आज मदरसों का मुद्दा भी उठा। भाजपा विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने शून्यकाल में मदरसों की संदिग्ध गतिविधियों की जांच का मुद्दा उठाया था। सदन में उठे इन मुद्दों पर हमारे सहयोगी गोवर्धन चौधरी ने बात की। बीजेपी विधायक शैतान सिंह और कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा, साथ ही बीजेपी विधायक रामचंद्र सुनारीवाल और कांग्रेस विधायक रमेश मीणा से। विधानसभा में आज दो मुद्दों की गूंज रही। पहला मुद्दा था, ज्ञानदेव आहूजा ने उठाया कि मेवात क्षेत्र के जितने मदरसे हैं वो या तो मंदिर माफी की जमीन पे बने हुए हैं और उनमें अवैध गतिविधियां संचालित होती हैं। दूसरा बड़ा आरोप था नंदलाल मीणा का, उन्होंने साफ तौर से पूर्वी राजस्थान की जनजातियों के बारे में ये कह दिया कि वहाँ लड़कियां कम पढ़ती हैं और इसी वजह से वहाँ के जो पुरुष हैं वो दो शादियाँ कर रहे हैं। दोनों ही बहुत अहम मामले थे। हमारे साथ में चार विधायक रहेंगे, दो बीजेपी दो कांग्रेस हैं, इन दोनों मुद्दों पर सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं शैतान सिंह जी के पास आना चाहूँगा क्योंकि वो पश्चिमी राजस्थान से बिलोंग करते हैं, मदरसों गतिविधियों को काफी नजदीक से उन्होंने देखा है। शैतान सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे ज्ञानदेव आहूजा ने जो आरोप लगाए मदरसों को लेकर के कितना इत्तेफाक रखते हैं और आपकी सरकार है, आप जांच क्यों नहीं करवाते? जांच का तो बताया है, गृह मंत्री जी ने बताया कि हम जांच कराएंगे, पर मेरा मूल कहने का उद्देश्य एक ही है कि अपन आज मदरसों में शिक्षा का काम करते हैं तो जब शिक्षा की बेसिक बुनियाद ही गलत है तो आप क्या शिक्षा देंगे? तो जब ये मंदिर की जमीन गोचर औरण ऐसे स्थानों पे आप कब्जे करके वहाँ मदरसे संचालित करते हो तो उसकी शुरुआत ही मूल रूप से मूल धारणा ही गलत है तो आगे क्या शिक्षा देंगे? और वैसे मदरसों की शिक्षा का मूल उद्देश्य यही है कि उन लोगों को, उस समाज को आज की जो अभी मॉडर्न शिक्षा से वंचित रखना और सिर्फ धर्म के प्रति समर्पित रहे यही सिखाया जाता है। और उसके साथ साथ क्या नहीं सिखाया जाता है वो किसी से छिपा नहीं है। मदरसों में क्या शिक्षा देते हैं, उनमें कितनी नैतिकता है, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ कैसे लोग तैयार होते हैं, मेरा तो एक बहुत मूल बात बता रहा हूँ कि इन मदरसों में शिक्षा देने वाले जो अध्यापक है या जो मौलवी है, मैं तो पहले सरकार से ये निवेदन कर रहा हूँ कि उन्हीं की ही जाँच करवा ली जाए कि वो कहाँ से हैं। कोई भी मौलवी स्थानीय नहीं है, कहाँ से आ रहे हैं, उनकी क्या आइडेंटिफिकेशन है, मेरा तो ये और आक्षेप है। हमारे साथ कांग्रेस विधायक और सचेतक गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं। डोटासरा साहब, ये आज बड़ा गंभीर आरोप मदरसों को लेकर के ज्ञानदेव आहूजा जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने लगाया, आपको क्या लगता है विपक्षी, क्योंकि बीजेपी की जिस तरह की पॉलिटिक्स रही है उसको ये सूट करता है, कांग्रेस क्या मानती है मदरसों की गतिविधियाँ वो अवांछित है, क्या मानते हैं आप? ऐसा है, भाजपा और RSS की हमेशा फितरत रही है कि ये अल्पसंख्यकों पे जब भी सत्ता में आते हैं तो हमले करते हैं और हमले करके हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा पैदा करके ये सत्ता हथियाना चाहते हैं। निश्चित रूप से मदरसों में तालीमी शिक्षा दी जाती है और वो बहुत ज़रूरी है और हमारा संविधान ये अलाउ करता है कि हर वर्ग के 3600 कौमों के लोग रहेंगे, वो स्वतंत्र हैं वो शिक्षा देने के लिए। इस सरकार ने 1000 के लगभग मदरसों को तो बंद कर दिया, एक सोची समझे षड्यंत्र के तहत, और यूपी में चुनाव आ रहे हैं तो वहाँ पर हिंदुत्व का मुद्दा बना करके ये बीजेपी यूपी में चुनाव जीतना चाहती है, जो कभी ये कामयाब नहीं होंगे। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें सभी कौम और मजहब के लोग रहते हैं शांति से, भाईचारे से, और कांग्रेस हमेशा हर वर्ग को, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो SC हो, ST हो, चाहे OBC हो, चाहे जनरल हो, सबको साथ लेकर के चलती है। कांग्रेस की हमेशा ये नीति रही है। इसलिए ज्ञानदेव आहूजा जी की आप क्या बात कर रहे हो, जो व्यक्ति JNU में कंडोम और हड्डियां गिरने के लिए चला जाए उससे इससे ज़्यादा घटिया बयान की उम्मीद नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर के इस आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है मदरसों को लेकर के। एक दूसरा और बड़ा इशू था नंदलाल मीणा, जो विवादास्पद बयान देने के लिए जाने जाते हैं, आज सदन के मंच पर उन्होंने विवादास्पद बयान दिया कि माडा क्षेत्र, करौली और पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है वहाँ पे उन्होंने सीधे तौर पर वहाँ की जनजातियों पर आरोप लगा दिया कि वहाँ बच्चियों को कम पढ़ाया जाता है और इसकी वजह से दो शादियों का चलन वहाँ बढ़ रहा है।
शुरुआत करेंगे, बीजेपी के विधायक रामचंद्र सुनेरीवाल हैं। सुनेरीवाल साहब, आपके मंत्री विधानसभा के फ्लोर पे कहते हैं, जिम्मेदारी से कहते हैं कि वहाँ पूर्वी राजस्थान में बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता और इस वजह से वहाँ पुरुष है वो दो शादियाँ कर रहे हैं। एक मंत्री का इस तरह का बयान, और इस पर कोई प्रतिक्रिया न सत्ता पक्ष से आई न विपक्ष से आई, किस रूप में देखते हैं आप? देखो, इस विशेषकर मीणा समुदाय में स्किल्ड और अनस्किल्ड वाली कास्ट की प्रॉब्लम है। और जहाँ तक मंत्री महोदय का सवाल है, मंत्री महोदय ने एक बहुत गर्वशाली बात की थी कि कभी भी जनजाति के लोग भीख मांगकर खाना नहीं खाते। बात मुद्दा ये था, और इसको स्किल्ड से जोड़कर अगर ये बात की जाती शादी वाले मुद्दे पे, तो इसकी जानकारी मंत्री जी को और सामने वाले विधायक जी को ज़्यादा पता है, लेकिन ऐसा वास्तविक में होता नहीं है। तो कुल मिलाकर के मंत्री जी का जो बयान था उससे इत्तेफाक आप भी नहीं रख रहे हैं? नहीं, मंत्री जी ने अगर कोई जानकारी तो उन्होंने अपने हिसाब से कही है, लेकिन मंत्री जी ने जिस तरीके से इस गौरवशाली परंपराओं की बात कही कि कोई भी मीणा जाति में या आदिवासी मीणा जाति के अंदर भीख मांगकर खाना नहीं खाता, ये बहुत गौरवशाली बात कही। हमारे साथ कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष रमेश मीणा जी, उनसे जानते हैं मंत्री नंदलाल मीणा के बयान को वो किस रूप में देखते हैं, और क्या ये बात सही है कि दो शादियों का चलन पूरी राजस्थान में खास तौर से बढ़ रहा है? मीणा जी, जिस तरह नंदलाल जी ने जो जाने जाते हैं विवादास्पद बयानों के लिए, आज सदन के फ्लोर पे ये कह दिया कि पूर्वी राजस्थान में बच्चों को नहीं पढ़ाते और इसकी वजह से दो दो शादियां कर रहे हैं, सच्चाई क्या है? जो उन्होंने बयान दिया है उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, और जो इन्होंने इस प्रकार का भाषा का प्रयोग किया है और ये इस तरह के विवादस्त बयान देते रहें, कभी उन्होंने कहा है मोहताड़ा होता है, तो उन्होंने कहा यही कानून है हमारा, तो जो कानून क्या है और कानून क्या कहता है ये आप हम सब लोग जानते हैं, लेकिन मंत्री को मन में जम जाए, इस सरकार के मंत्री जो जम जाए, बेलगाम मंत्री हैं, कभी बेबस मंत्री हैं, तो इनके मर्जी हो जाए, चाहे इनके विधायक हैं, कहीं भी कुछ भी कह सकते हैं, इनको सब अधिकार माननीय मुख्यमंत्री ने दे रखे हैं और इस सरकार में बहुमत का इनको अभिमान है, घमंड है, तो ये कुछ भी बोल देते हैं, इनकी मर्जी हो, जो कह देते हैं यही नियम है, यही कानून है। तो मैं कहना चाहूँगा, ऐसी पूर्वी राजस्थान में जो मंत्री ने जो बात कही है उसकी मैं निंदा करता हूँ, और इस तरह की अपेक्षा भी करता हूँ मंत्री से, इस प्रकार की अमर्यादित भाषा में जो उन्होंने बात कही वो नहीं कहनी चाहिए उनको, क्योंकि आज के समय में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि दो शादियाँ हो रही हैं या कोई भीख मांगने की बात, तो ऐसा कोई काम नहीं है। कुल मिला के कांग्रेस का ये कहना है कि विवादास्पद बयानों से बचा जाना चाहिए, लेकिन सदन के ट्रैक रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो एक होड़ सी लग गई है कि विवादास्पद बयान दीजिए और मशहूर हो जाइए। उम्मीद की जानी चाहिए जनता के कोर इशू पे मंत्री और विधायक डिस्कस करेंगे और विवादास्पद बयानों के बजाय जो मूल मुद्दे की बात है वो करेंगे।